नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहपुर जनपद में 50 लाख बीमा की रकम हड़पने के लिए पुत्र ने अपनी मां की हत्या कर दी। शव को यमुना नदी के किनारे फेंक दिया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। धाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत अढ़ौली गांव निवासी रोशन सिंह पुत्र घनश्याम सिंह चित्रकूट के राजापुर कस्बा स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करने गए थे और दर्शन करके वापस दोपहर में आए तो मृतक प्रभा देवी घर पर नहीं मिली। उन्होंने अपने पुत्र हिमांशु से पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनको शंका होने लगी। इसके बाद वह शाम को लेट गए। आधी रात के समय रोशन सिंह की चारपाई के पास गड़ासा और सब्बर रखा दिखाई दिया तो रोशन सिंह को आशंका हुई तो उन्होंने अपने चचेरे भाई को जगाया और मोहल्ले के लोगों को बताया तो परिवारजन मृतक का खोज करने लगे तो पशुवाड़ा में भूसा वाले कमरे में मृतक के चप्पल पड़े मिले। गांव से 1 किलोमीटर दूर यमुना घाट पर बोरी में महिला का शव मिलने की सूचना आई। जब वहां पहुंचे तो शव पत्नी का निकला, उसके गले में गमछा कसा हुआ था। रोशन सिंह ने पुलिस को सूचना दी। न्यूज नाइन भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ अखिलेश सिंह की खास रिपोर्ट। थाना धाता अंतर्गत ग्राम छोटी अड़ोली निवासी रोशन सिंह द्वारा थाना धाता पर आज सूचना दी गई कि उनके लड़के हिमांशु ने उनकी पत्नी की हत्या करके शव को कहीं पर छिपा दिया गया है। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि शव यमुना नदी के किनारे ग्राम एरई में पड़ा हुआ है। जब मौके पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वहाँ शव प्राप्त हुआ। शव को एक बोरी में भर करके वहाँ पर फेंका गया था। शव को पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। वादी रोशन सिंह से तहरीर प्राप्त करके उसके लड़के हिमांशु के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रारंभिक छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि हिमांशु द्वारा अपने माता पिता का कुछ समय पूर्व भारी धनराशि का जीवन बीमा करवाया गया था और जीवन बीमा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा अपनी माँ की गला दबा करके हत्या की गई है और सब कुछ छिपा दिया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है। जब देखा तो उनके वो देखी थी कि बैग में कैसे से रखते थे, वो बैग में जो है वो सब बैग पड़े थे, वहाँ पे कुछ पिछवाड़े फेंक दिया था। कौन? एक लड़का। घर में चोरी हुई थी क्या? हर घर में तो कतार है, यहाँ पे गांव में, गांव में घरे में। उससे इसको बताया इधर आओ शंका हुई के बोला रहा है या कुछ बोल रही, डर रही थी कि अगर मैं बताऊंगी तो मानना चालू कर देगी, गाली गुतक दे चालू कर देगी। नशा कर रहा था क्या? कुछ नशा नहीं करता साहब, ये जो पढ़ा लिखा है। हाँ, इंटर का धुआं, मतलब मोबाइल से गेम हो या धुआं वाले का काम है, कोई लक्ष्य इसकी इंटर तक देते रहते हैं बुला बुला कर 10,000-20,000 लेते जाओ अपना, ये करो। हमारे कहा तुमने गद्दारों के साथ किया, बताओ मैं क्या, भाई खुल जाएगा मामला। जेवर इतनी ज्यादा है, मैं किसी गांव में बैठूंगा नहीं, किसी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं, चूंकि मैं सम्मानित आदमी हूँ। सही बात है, मैं जीवन का भी काम किया नहीं ना, गलत बात। तो साहब जो है उसने मैंने कहा मैं जा रहा हूँ राजापुर, अब तो मैं लौट के आऊँ तो जहाँ तो उसे बात कराया, उस लड़के से बात किया है, किसी का हम सामान तुम्हारे दे देंगे, यहाँ से काम करते तुम्हारा आया है, फोन से बात कराया है। अच्छा अच्छा, नंबर खुद मोबाइल में फीड होकर या हटा होगा या रहा होगा जैसे भी होगा साहब। इसके बाद मैंने जो है इसी मैडम ने बता दिया था कि कह दिया था कि मैं राजापुर से लौट के आऊँगा, तो मैं सीधे तुम्हारा ना या फायर कर दूंगा, क्योंकि मैं फंसूंगा नहीं, मेरी बदनामी हो जाएगी और तुम जाओगे जेल और सब कुछ होगा। इसने जो है दिमाग चला दिया कि मैं पापा को मम्मी को दिन को मार दूँ, रात को पापा को मार दूँ और डकैती काम करवा दूँ, कोई आए चोर लेके ले गए, इनकी हत्या हो गई और मेरा नाम साहब बीमा था, अभी मैं पॉलिसी करवाया हूँ। मम्मी मम्मी करवा दिया, मेरी हो गई करीब है 45 लाख की। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।